गोरखपुर पहल के द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने तथा सार्वजनिक स्थलों की परिसीमन किए जाने संबंधित बैठक एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में तहसील सदर स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में नायब तहसीलदार सुनीता सहित पिपराइज और भठर क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक और लेखपाल मौजूद रहे। बैठक में एसडीएम सदर ने सभी लेखपालों को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्र के गाँवों में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित करके उसे हटाने का काम करें, जिससे गाँव में सरकारी जमीन पर योजनाओं को लागू करके गांव वालों के साथ गांव का विकास किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, जैनपुर भटट और पिपराइज क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक एवं समस्त लेखपालों की मीटिंग थी। अभी इस संदर्भ में मीटिंग का मेन जो मुद्दे थे वो थे कि गोरखपुर पहल, जिसमें हमने सभी सार्वजनिक संपत्तियों का चिन्हांकन करते हुए स्थलीय सत्यापन करने के बाद जितने भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं उनको हटाने संबंध में एवं उस भूमि को आरक्षित भूमि घोषित करते हुए लैंड बैंक के रूप में रखे जाने के संदर्भ में किया गया था। जितने भी गांव हैं उन सब में जो सार्वजनिक संपत्ति भूमि है उसका चिन्हांकन करके रजिस्टर में दर्ज करें, मौके पे उसकी क्या स्थिति है, अगर अतिक्रमण है तो उसको हटाने के लिए प्रयास करें, उसको हटाया जाए, और अतिक्रमण नहीं है, खाली है, तो उसको लैंड बैंक के रूप में आरक्षित करा जाए। तो इस संदर्भ में पहले भी गोरखपुर पहल हमने स्टार्ट किया था, लगभग 150 एकड़ से अधिक भूमि को हमने आरक्षित किया है। इसी क्रम में और भी हम भूमि को, सार्वजनिक भूमियाँ हैं जिन पे लोगों का कब्जा है, उसको हटवा के लैंड बैंक के रूप में आरक्षित करवा रहे हैं, ताकि शासकीय योजनाओं, सरकारी योजनाओं के लिए भूमि का आवंटन किया जा सके और विकास की परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सके। इसी संदर्भ में हम मीटिंग करते हैं लेखपालों के साथ, हर राजस्व निरीक्षक के साथ, ताकि अधिक से अधिक जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उन पर अवैध कब्जों को हटाकर भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई करें एवं ऐसी सभी भूमियों को उनके कब्जे से छुड़ाकर लैंड बैंक के रूप में आरक्षित करें, ताकि उस भूमि का उपयोग किया जा सके। कुछ आपसे विवाद भी होता है और अतिक्रमण भी होता है, उसके लिए भी कोई निर्देश है? हमने एक दैनिक शिकायत रजिस्टर बनवा रखा है, जिसमें प्रत्येक लेखपाल को उनके क्षेत्र में, क्षेत्र से संबंधित जितने भी विवाद आते हैं उन सब के बारे में उनको अपडेट रखना है, और जो आपने निर्धारित किया क्या आप उसमें कार्रवाई की उसको भी अपडेट करना है। तो इसके संदर्भ में भी हम मीटिंग लेते हैं कि गांव में कोई भी विवाद अगर होता है दो निजी पक्षों के बीच में, उस विवाद को मौके पर जाकर तुरंत उनका निस्तारण करें। विवाद किसी भी खतरनाक अपराध को अंजाम दे सकता है। सारे विवादों की जड़ अधिकतर भू विवादों से है, तो ऐसे सभी भू विवादों को तुरंत मौके पर जाकर निस्तारित करें। इसीलिए इसकी भी समीक्षा की जा रही है कि जितनी भी दैनिक शिकायतें हैं कहीं ऐसा कोई विवाद तो नहीं है जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग हो, इसीलिए इनकी समय समय पर हम समीक्षा कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद हमने ये समीक्षा स्टार्ट कर दी है।